तुम्हें तो खुद ही पता नहीं तुम कहां हो। एक पल तुम्हारा चित्त लगता नहीं, न घर में लगता है। घर में रहते हो तो बाजार जाने का मन करता है, बाजार जाते हो तो चिल्लाने 7 बज गया 7 बज गया घर जाना है, घर आते हो तो घर काटने को दौड़ता है, बाजार जाते हो तो बाजार काटने को दौड़ता है, पिकनिक में जाते हो तो पिकनिक काटने को दौड़ता है। अरे वो सब काटने को नहीं दौड़ते, वास्तव में तुम्हारे भीतर की अज्ञानता अज्ञता ही तुम्हें काटने को दौड़ती है। तुम जगह बदलकर, व्यक्ति बदलकर, वस्तु बदलकर, कपड़े बदलकर, मकान बदलकर, गाड़ी बदलकर, लोग बदलकर सोचते हो जीवन में शांति आ जाएगी। मैं तुम्हें गारंटी के साथ कहता हूं, जब तक तुम्हारे दिल में जो जगत बैठा हुआ है वहां जगदीश को बदलकर नहीं ले आते, तब तक कभी शांति नहीं आ सकती, प्रेम मोहब्बत नहीं आ सकती, मौज नहीं आ सकती। तुम लोग बदल रहे हो, तुम्हें बदलना है। यार बदल रहे हो, तुम्हें बदलना है। पत्नी बदल रहे हैं, तुम्हें बदलना है। कितना बदलोगे? ये हमको, इससे हमारा नहीं चलेगा, इससे हमारा नहीं बनेगा, तुम्हारा किसी से नहीं बनेगा, क्योंकि जिसका खुद से नहीं बनता, इस दुनिया में जो आदमी अकेला नहीं रह सकता वो समझ लो खतरनाक आदमी, वो आदमी काट खाएगा किसी को भी। ध्यान से सुन लो भारतवासियों, जो आदमी एकांत में आनंदित नहीं रह सकता, एकांत जिसको काटने के लिए दौड़ता है, खाने के लिए दौड़ता है, बेचैन हो जाता है, डर जाता है, पागल हो जाता है, छत में तारे गिनने लगता है, वो आदमी ना अपने लिए अच्छा है, ना इस दुनिया में किसी आदमी के लिए अच्छा है। एकांत, एक में जिसने अपनी सारी वृत्तियों का अंत कर दिया होगा। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सर मोर मुकुट मेरो पति सोए, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। अब आज तुम टेस्ट करना अपनी जिंदगी का कि तुम एकांत में कितनी देर मस्ती में रह सकते हो। टीवी का रिमोट नहीं, 500 चैनल उतने देर में पागल की तरह बदल दिया, पैट फूट पैट खाट खूट खाट खाट, पागल आदमी लगता है, एकांत में भी नहीं बैठ सकता। एकांत, ओ अकेले में मेला, और इस मेले में बैठ के भी अकेला, यही घटना घटती है जब मिल जाते हैं गुरु और चेला। मेले में अकेला, अकेले में मेला, कोई गुरु शिष्य मिल जाए तो ये विधा गुरु शिष्य को सिखा देता है। रह के देखना मेरी माताओं, तुम भी सुषमा कविता बबीता का फोन न याद आ जाए, नहीं माता जी का फोन लगा के आधा घंटा फिर उन्हीं से चर्चा कर लेना पति को निपटाना कैसे। रहो अकेले, जो व्यक्ति एकांत में आनंदित रह सकता है वास्तव में ऐसे व्यक्ति का संग करना ही महात्मा का संग होता है। समझ लेना, वो घर में रहता है, परिवार में रहता है, साधारण भी होगा, पैंट भी पहनता होगा, साधारण नारी होगी जिसको तुम हाउसवाइफ कहते हो। पहले ये बड़े गंदी बात है, हमारे यहाँ हाउसवाइफ का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है भाई, वाइफ होती नहीं तो हाउसवाइफ क्या है। हमने कह दिया
वाइफ से डिवोर्स होता है, बीबी को तलाक दिए जाते हैं, धर्म पत्नी के साथ जीवन भर आनंद निर्वाह किया जाता है। तुम धर्म पत्नी, भारत की ये विधा है, यहां वाइफ बीबी कहां से आ गए? आप क्या करते? हाउस वाइफ है। देसी मुर्गी बिलायती बोल, हाउस वाइफ। लज्जा करती हो तुम, खुद कह सकती हो। एमबीए किसको कहते हैं? मास्टर इन बिजनेस एप्लीकेशन एडमिनिस्ट्रेशन। वाह, ठीक है, बहुत अच्छी एमबीए। तो तुम कह दो मास्टर इन हाउस और होम एडमिनिस्ट्रेशन एमएचए। आप क्या है बहन जी? बड़ा एमएचए। वो भी घबरा जाएगी, सुनो जी तुम कुछ नहीं कर सकते मेरे लिए, बताओ शर्मा जी की पत्नी एमएचए कर गई, हमारा कुछ नहीं हुआ, एमएचए। मास्टर इन हाउस एडमिनिस्ट्रेशन। और मैंने अभी कहा ना, राक्षस के कुल में आने के बाद भी कयाधु मैया ने ऐसा मैनेजमेंट किया कि प्रहलाद जैसा भगवान का भगत पुत्र को जन्म दे दिया। तो तुम एमएचए हो कि नहीं हो बताओ? तो तुमको बेकार ही लोग भड़काते, समानता का अधिकार चाहिए, समानता। अरे समानता का अधिकार विदेशियों को चाहिए, हमारे देश में तो देवी और माता और नारी प्रथम पूज्या हैं, हम तो उनको अपने से ऊपर रखते हैं, समानता क्या देना है उनको? झूठ ही भड़का रहे हैं तुम, समानता का अधिकार चाहिए। बताओ, लोग प्रमोशन चाहते हैं, ये विदेशी लोग तुम्हारा डिमोशन चाहते हैं। हम पूजा करने वाले लोग, भगवान शंकर जब हार जाएं, देवता हार जाएं, तब हमारी आए जगदम्बा लेकर के, और कितने महिषासुरों को बताओ, शक्ति स्वरूपा मां। तो आपका डिमोशन करने कोई आवे तो पहले प्रणाम कर लेना, बोला भैया घर जाओ, डिमोशन मत करो, हम ऑलरेडी ऊपर हैं, हम हिंदुस्तान की संस्कृति में, सनातन संस्कृति में हम पूज्या हैं, हम देवी। नारी शब्द का प्रयोग तो आपको जानकर बड़ा ये लगेगा, नारी शब्द का प्रयोग तो असुरों के तरफ ही ज्यादा किया जाता था। हमारे सनातन संस्कृति में सनातन परंपरा मानने वाले लोगों को देवी शब्द से प्रयोग किया जाता, नारी बोला ही नहीं जाता, देवी, हे देवी। एक जगह रामायण में नारी शब्द का प्रयोग शूर्पणखा के लिए किया गया है। पर जब कोई श्रेष्ठ हमारी जननी माता हैं, उनके लिए सदा देवी का प्रयोग किया गया है, देवी। तो तुम तो देवी हो मां, काहे को इन सब चक्करों में पड़ती?